पानीपत शहर की तमाम खबरें देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। आज की डेट में स्पोर्ट्स बच्चों के लिए बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है। तो स्टडी और एजुकेशन का मतलब सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है, कोई भी हॉबी, कोई भी पोटेंशियल बच्चे में है तो वो आगे आ सकता है। टीचर्स के साथ साथ बच्चों को भी इसका बहुत इंतज़ार रहता है, मोस्ट अवेटेड डे माना जाता है ये हमारे स्कूल में। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्पोर्ट्स, पढ़ाई के साथ साथ हमें खेल भी करने चाहिए। हमारा आज का जो कार्यक्रम है जीजीएस पब्लिक स्कूल में, ये आज का क्लोजिंग सेरेमनी है एनुअल स्पोर्ट्स मीट की। ये दो दिन की एनुअल स्पोर्ट थी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले जूनियर विंग की करा चुके हैं, आज सीनियर विंग था क्लास 3rd to 12th के लिए। तो इसमें हमने 3 ग्रुप बनाए थे, 3rd to 5th, 6th to 8th एंड 9th to 12th, बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेट ग्रुप्स थे। तो कल हमारी ओपनिंग सेरेमनी थी इस प्रोग्राम की, आज हमारे फाइनल सारे इवेंट हैं और क्लोजिंग सेरेमनी है। बच्चों का पार्टिसिपेशन, उत्साह आप देख ही रहे हैं, कितने उत्साहित हैं अपने हाउस को जिताने के लिए। एक्चुअली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया खेलो, उसी चीज़ को हम लोगों ने कहीं ना कहीं बच्चों के करियर ऑप्शन से जोड़ के देखा है कि आज की डेट में स्पोर्ट्स बच्चों के लिए बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है। तो स्टडी और एजुकेशन का मतलब सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है, कोई भी हॉबी, कोई भी पोटेंशियल बच्चे में है तो वो आगे आ सकता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस तरह के इवेंट जीजीएस की पॉलिसी में हमेशा हैं कि हम उन पॉलिसीज़ को मनोज धमीजा जी जो डायरेक्टर हैं हमारे, वो बहुत कीन इंटरेस्ट के साथ ये पॉलिसीज़ में ध्यान देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में ध्यान देते हैं, बच्चों को इनक्रेज करते हैं, स्टाफ को इनक्रेज करते हैं। तो और हमारे पेरेंट्स और बच्चे वो भी इतना कोऑपरेट करते हैं, हमेशा इंतज़ार करते हैं कि हम क्या एक्स्ट्रा करने वाले हैं और क्या हमारे रिजल्ट्स रहेंगे। तो गवर्नमेंट पॉलिसी, मैनेजमेंट पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन, स्टाफ के लिए पेरेंट्स का कोऑपरेशन, उसकी जैसे ये इवेंट है। बच्चों के साथ साथ पहली बार भी हमने देखा है कि 4 क्लास जो कर्मचारी है उनको आपने गेम में शामिल किया है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि पहली बार ही किया है, हमारा अगर जीजीएस फैमिली है तो फैमिली है, एवरीबॉडी इज़ द मेंबर ऑफ द फैमिली। पर हाँ, उन्हें हो सकता है जो नए लोग आए हों उनके लिए पहली बार हो, ये पहले से ही होता रहा है ये, और वो भी परिवार का मेंबर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एंड लॉयल मेंबर हैं, उनका पार्टिसिपेशन तो मस्त है और उन्होंने जितने मन से किया वो बधाई के पात्र हैं। स्कूल के अंदर जो स्पोर्ट्स मीट चल रही है ये, मतलब इसको टीचर्स के साथ साथ बच्चों को भी इसका बहुत इंतज़ार रहता है, मोस्ट अवेटेड डे माना जाता है ये हमारे स्कूल में, क्योंकि हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं स्कूल में और बहुत ही उत्साह के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, टीचर्स के साथ, इवन बच्चों में ज़्यादा बहुत एक्साइटमेंट देखने को मिलती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स, फील्ड इवेंट्स, ट्रैक इवेंट्स,
और अभी जैसे आपने देखा कि मेड्स की भी हुई है, तो हम मतलब ये जीजीएस फैमिली है सबको इन्वॉल्व करके जो है हमारे साथ हम चलते हैं। अभी जैसे बोर्ड्स आने वाले हैं, बच्चों के पेपर आने वाले हैं, तो ये नहीं कि यहाँ पे सभी लोग का जैसे टेंशन सा हो जाता है इस टाइम पे, इस पीरियड ऑफ टाइम पे जो महीना चल रहा है इसमें सारे बच्चे टेंशन में रहते हैं, तो इस स्ट्रेस को भी रिलीफ करने में जो हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज हैं, जो हमारे 4 हाउसेज हैं, वो सारे बच्चे आपस के लिए चेयर करते हैं, जो पढ़ाई में भी अच्छे हैं और जो कि खेल में भी अच्छे हैं। हमारा स्कूल सब चीज़ में फोकस करता है, ऑल ओवर, इवन स्पोर्ट्स और एडुकेशन सब चीज़ को देख के चलता है हमारा स्कूल। हमने मटका रेस में किया सर, इससे पहले भी इस तरह का पार्टिसिपेट किया? नहीं सर, पहले हमने पहली बार मौका मिला सर हमको। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, हम आगे मौका मिला हम तब भी सर करेंगे, यही करेंगे सर हम। तो पहले भी आप फंक्शन हुए हैं, तो पहले भी आपने इस तरह का कार्य किया? नहीं सर, हमको कभी नहीं, हमने बीच में भाग नहीं लिया सर, हमने पहली बार भाग लिया सर। आज हम अपने स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक स्पोर्ट्स वार्षिक मीट का आयोजन हमने किया है, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और बच्चे बहुत खुश हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्पोर्ट्स पढ़ाई के साथ साथ हमें खेल भी करने चाहिए और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इसलिए आज हमने इसका आयोजन किया और बच्चे इसमें बहुत अच्छा उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बच्चों ने अपनी पूरी स्पोर्ट्स स्पिरिट का दिखाते हुए गेम्स में पार्टिसिपेट किया है और बहुत खुश हैं बच्चे सभी।